नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स, मणिपाल हॉस्पिटल गाज़ियाबाद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, दिन का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले कुछ दिनों में ये टेम्परेचर 48 डिग्री को भी क्रॉस कर चुका है। ऐसे में हमें बच्चों में कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। लू से बचाने के लिए बच्चों को दोपहर में जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकालें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही बच्चों को घर से बाहर निकालें और ऐसे में कैप या छतरी का इस्तेमाल जरूर करें। बच्चों में उचित मात्रा में पानी पिलाते रहें, ऐसे में आप प्लेन पानी, नमक चीनी का घोल, ORS, नींबू की शिकंजी, छाछ या और भी कोई होममेड लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए एनकरेज करें। आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों का एक निश्चित समय निर्धारित करें जो कि सुबह या शाम का होना चाहिए। घर पे कूलर और एसी का इस्तेमाल ज़रूर करें। एसी का इस्तेमाल न्यूबॉर्न बच्चों में भी किया जा सकता है, जिसका कि बेस्ट टेम्परेचर होता है 26 से 28 डिग्री। गर्मी बढ़ने पर बच्चों में पानी की कमी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके कुछ लक्षण हैं, बच्चे का चिड़चिड़ा हो जाना, यूरिन कम पास करना, सुस्त हो जाना। ऐसे में अपने डॉक्टर को बच्चे को ज़रूर दिखाएं। बच्चे में पानी की कमी ज़्यादा होने पर बच्चे के हाथ पैर ठंडे पड़ सकते हैं और बच्चे में सांस की गति भी बढ़ सकती है। ऐसे केस में बच्चे को एडमिट भी करना पड़ सकता है। आप सब लोग जानते हैं कि अभी सोसाइटीज़ में स्विमिंग पूल ओपन हो गए हैं, ऐसे में स्विमिंग पूल से रिलेटेड बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसमें कि गले का इन्फेक्शन, आँखों का इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन और पेट का इन्फेक्शन सबसे कॉमन है। इससे बचाव के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि बच्चों को स्विमिंग पूल जाने से ठीक पहले और उसके तुरंत बाद बाथ देना ज़रूरी है। बच्चों को कोशिश करें कि हफ्ते में एक या दो बार ही स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करें और लगातार काफ़ी देर तक स्विमिंग पूल में न रहें। बच्चों को ये जानकारी दें कि पूल में यूरिन आने पर वॉशरूम का इस्तेमाल ज़रूर करें। गर्मियां बढ़ने से गर्मी से रिलेटेड और बीमारियों का डर भी बढ़ जाता है, जिसमें डायरिया सबसे कॉमन है। उससे बचाव का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है कि बच्चों को रेगुलर हैंड वॉश के लिए एनकरेज करें, जो कि खेलने के ठीक बाद, वॉशरूम यूज़ करने के बाद और खाने से ठीक पहले हाथ अच्छे से साबुन से धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।